जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में CGSI की जो GS में लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था उसी का एक अगला वीडियो लेकर के आया हूं और संविधान के दो प्रमुख टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी को पता है आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे छत्तीसगढ़ की SI भर्ती परीक्षा हो, कॉन्स्टेबल हो, DF हो या मैं कहूँ व्यापम का भी कोई भी एग्जाम हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप के लिए और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश वाले देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी हो या इंग्लिश हो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के तहत देखा जाए या भारत के लिए देखा जाए, तो वो है अनुच्छेद 76। आपको छोटे एग्जाम के सिर्फ याद करना है कि अनुच्छेद 76 में 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है। तो इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत रहता है इन द सेंस क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह पद धारण करेगा और जब राष्ट्रपति की मर्जी होगी तब वो पद से हटा दिया जाएगा। जनरली क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, तो जब तक वो सरकार रहती है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, फिर जब सरकार जाती है तो वो व्यक्ति भी चला जाता है, दूसरी सरकार आती है तो उस व्यक्ति को भी हटा देती है। अगर अभी मैं बात करूँ वर्तमान समय में, आज वर्तमान की डेट है 26 जून, ठीक है, तो 26 जून की स्थिति में बता रहा हूँ आपको के वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल ये अभी भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल। अब किसी भी व्यक्ति को तो नहीं बना दिया जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता रखनी पड़ती होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो उसी व्यक्ति को हम भारत का महान्यायवादी बनाएंगे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है? पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ाया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्याय काम कर चुका हो या कुल मिलाकर के उसको 10 साल तक न्याय के क्षेत्र में अनुभव हो, उस व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना देंगे। ठीक है, तो SC का न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। आप लोग समझ गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति कर देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो, उसे हम लोग कहेंगे भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में उसके लिए प्रावधान दिया गया है। अब पद मुक्त की बात करते हैं, उसके पद से कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बताया कि प्रसाद पर्यंत रहता है, वो चाहे तो राष्ट्रपति कभी भी उसको पद से हटा सकता है या वह स्वयं त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकता है। और एक बात और, इसका जो वेतन होता है वो निश्चित नहीं होता है, जो भी राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है वो उसको वेतन मिलता है। जनरली संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें जितना वेतन मिलता है उसको भी दिया जाता है। अब आगे देखिए इसका काम क्या होता है। तो उसका कार्य यह होता है कि भारत सरकार को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, विधि कार्यों पर सलाह देना, जो भी विधि कार्य होते हैं, कानूनी कार्य होते हैं, विधि कार्यों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको सौंपे जाए। राष्ट्रपति इसको कुछ भी काम देता है, विधि कार्य भारत सरकार के पास जो काम रहता है, तो ये भारत सरकार को सलाह दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये न्याय के क्षेत्र में माना हुआ व्यक्ति रहता है। इसका और यह कर्तव्य रहता है, कर्तव्य जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों, मतलब और भी ऐसे कोई काम है जिनको राष्ट्रपति देना चाहता है इसको विधि से संबंधित, तो ये सभी काम करेगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भारत का पक्ष रखना। जो भी केस चलेंगे, जैसे कि कोई भी मामला चलेगा जहां पे भारत सरकार एक तरफ रहेगी, तो ये भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा, इसी का काम है, महान्यायवादी का यही काम है। दूसरा एक और आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल अनुच्छेद 143 की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है। तो सलाह मांगने खुद राष्ट्रपति तो चलकर या प्रधानमंत्री तो चलकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो जो सलाह मांगने वाला जो काम होता है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भारत का ये प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार के या राष्ट्रपति का तरफ से कौन सलाह मांगने जाता है? भारत का महान्यायवादी सलाह मांगने जाता है। ठीक है, अब इतने सारा काम करता है तो इसके पास कुछ अधिकार भी होते हैं। अधिकार से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके क्या क्या इसको अधिकार प्राप्त है वो भी आप देखिए। किसी भी क्षेत्र में भारत के अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में इसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। मतलब कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहां भी भारत सरकार का पक्ष रखना होगा या भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा चलेगा,
तो वहाँ पर इसका काम क्या होगा कि भारत सरकार का वहाँ पर ये पक्ष रखेगा। तो किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इवन कहीं पर भी जाकर ये भारत सरकार के साथ मतलब भारत सरकार के पक्ष में सुनवाई कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, एवं अगर संयुक्त बैठक हो रही, दोनों सदन एक साथ बैठे हुए हैं, तो संयुक्त बैठक में भी इसको भाग लेने का अधिकार है और बोलने का भी अधिकार है। इसको अगर पूछा जाए, इसको कुछ बोलना होगा, तो ये बोल भी सकता है और भाग ले सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सदस्य नहीं होता है संसद का, तो इसको मत देने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं पर वोटिंग हो जाती है किसी प्रस्ताव पर, तो ये वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन वहां जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, चर्चा हो रही है तो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। अगली बात करता हूं, संसद सदस्य की तरह इसको वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, जो भी गाड़ी है, कन्वेंस है या फिर चिकित्सा सुविधा है, तो विशेषाधिकार कैसे मिलते हैं, जो किसी भी संसद सदस्य को मिलते हैं, संसद सदस्य या सांसद सदस्य रहते हैं, उनके तरह इसको भी विशेषाधिकार पूरे के पूरे दिए जाते हैं। किसको? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोल मत जाइएगा आप लोग। अब ये अकेला जो है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये ही पूरा काम नहीं कर सकता, बहुत सारे काम होते हैं भारत सरकार के विधि संबंधित, तो ये पूरा काम नहीं होता। तो इसकी सहायता के लिए इसके अंडर में एक सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल। अभी वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है भारत के, उनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है, क्या नाम है, तुषार मेहता। आप लोग टीवी देखेंगे तो ये जनरली चर्चा पे रहते हैं, ठीक है, तुषार मेहता, ये कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। और इसके अतिरिक्त चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, मतलब इनके अंदर भी चार व्यक्ति रहते हैं, ये दोनों जो पद है, ठीक है, संवैधानिक है, इनका 76 जो अनुच्छेद है वहां पे दिया गया, ये संवैधानिक पद है, लेकिन ये चार अतिरिक्त है, ये सभी सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल जनरल, ये सभी क्या है, वैधानिक पद है, मतलब इनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इनको ऐसे रखा जाता है इनकी सहायता करने के लिए। किसकी सहायता करने के लिए? महान्यायवादी की सहायता करने के लिए। ये संवैधानिक पद है, अटॉर्नी जनरल ऑफ के वेणुगोपाल, इनके अंतर एक सॉलिसिटर जनरल रहता है जिनका नाम है तुषार मेहता, और सॉलिसिटर जनरल के अंतर्गत चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और भी रहते हैं। तो ये जो चार और ये पांच, ये वैधानिक पद है, मतलब संसद संविधान में इनका प्रावधान नहीं है, इनका प्रावधान है। आगे बात करता हूँ, इसको कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनका मतलब पाबंदी लगाई गई है, वो क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए यहाँ पर, कि भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की सलाह देना या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह कि भारत सरकार के खिलाफ जिस केस पर ये काम कर रहे हैं उस केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात अगली बात करूं तो आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते, बिना भारत सरकार के परमिशन से किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकारी सदस्य नहीं होते, इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ये अलग से भी अपने विधिक कार्य जो है लड़ सकते हैं, मतलब भारत सरकार के अलावा भी कोई केस पर्सनल रूप से लड़ना चाहते हैं तो ये लड़ सकते हैं, लेकिन किसी आपराधिक मामले में किसी का पक्ष नहीं रखेंगे जब तक ये भारत सरकार से परमिशन नहीं ले लेंगे। और एक और है कि किसी भी कंपनी के प्रबंध निदेशक या सदस्य नहीं हो सकते, जैसे कोई सरकारी कंपनी हो गई या कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, उसमें कोई मेंबर वगैरह या बोर्ड के मेंबर वगैरह ये सब ये नहीं बन सकते हैं, तो ये सब इनके ऊपर रोक लगाई गई है। तो ये जो है कंप्लीट डिटेल मैंने किसकी बताई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, पीएससी वगैरह के हिसाब से या व्यापम या छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती सभी में काम आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत रहेंगे, जब मर्जी होगा हटा देंगे, अभी के वेणुगोपाल है, ठीक है, भारत सरकार के विधि कार्यों में सलाह देंगे, राष्ट्रपति जो भी काम सौंपेंगे ये करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का ये पक्ष रखेंगे, और 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह लेना है तो ये सलाह लेकर के वहां से आ जाएंगे। भारत पूरे भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में किसी भी क्षेत्र में इनको सुनवाई करने का अधिकार होगा, दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वोटिंग ये नहीं कर सकते हैं, और संसद के सदस्य की तरह पूर्ण विशेषाधिकार इनको प्राप्त होते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया होगा, होप सो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, ये उनसे भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन ये भारत की जनता और भारत के पैसों के रक्षक होते हैं। बात कर रहा हूं मैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको महालेखा परीक्षक शॉर्ट में कह दिया जाता है, ठीक है। तो इनके लिए भी संविधान में प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 148, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, दोनों के अनुच्छेद बिल्कुल याद रखेंगे ना, अनुच्छेद ही इंपॉर्टेंट है, 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 148, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो है कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए रहता है। अगर पहले 6 वर्ष कंप्लीट हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, अदरवाइज 65 साल की उम्र हो गई और 3-4 साल हुआ है काम करते हुए तो भी इनको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन ये इसके तरह नहीं है कि राष्ट्रपति जब मर्जी आया नियुक्त कर दिया, जब मर्जी आया हटा दिया। इनको हटाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वो प्रक्रिया यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया होती है अगर इनको पद से हटाना है तो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान का मतलब ये है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दोनों सदनों में प्रस्ताव ला करके बहुमत के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रकार से ही इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। और जो प्रस्ताव लाएंगे तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, दुर्व्यवहार और अयोग्यता, या तो ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं या तो काम करने के योग्य नहीं है, ठीक है, और चाहे तो खुद से भी त्यागपत्र अपना दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। इनके कार्य देखिए, कार्य देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पहली बात तो आर्टिकल इनका नहीं भूलना है, किसका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भारतीय लेखा परीक्षण, ठीक है, भारतीय मतलब भारत सरकार, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, जो भी ऑडिटर डिपार्टमेंट होता है ऑडिट करने का तो उसका हेड कौन होता है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये लोक वित्त मतलब लोगों के जो पैसा है था, उसका संरक्षक एवं नियंत्रक होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के में ये समान रूप से काम करते हैं, मतलब केंद्र के भी लोक वित्त का रक्षण करते हैं और राज्य का भी, ये सिर्फ सेंट्रल के नहीं है, राज्य के भी ये कर सकते हैं। अब देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट काम है इनका ये है कि भारत की संचित निधि, संचित निधि के लिए कौन सा आर्टिकल है, 266, इसमें भारत की संचित निधि दी हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 266 आर्टिकल को एक बार देख लीजिएगा। यूटीज मतलब भारत की संचित निधि, राज्य की जो निधि होती है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो व्यय संबंधी जो लेखाएं होती हैं, जितने भी खर्च होते हैं उसके ऊपर ये परीक्षण कर सकते हैं। आपको पता होगा जो कोयला घोटाला है या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था कि एक एक टॉयलेट की जो सीट है, एक एक कुर्सी है, कई लाखों रुपए में खरीदी गई थी, तो बाद में उसका जब ऑडिट किया गया तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसको ऑडिट करते हैं और जो पूरी रिपोर्ट आती है फिर उसको सबमिट करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सभी निकायों, जो भी निकाय होंगे, प्राधिकरण होंगे, ठीक है, और सरकारी कंपनियां जैसे कि ONGC सरकारी कंपनी हो गई, महारत्न कंपनी हो गई, उनके निगम वगैरह हो गए, निकाय वगैरह हो गए, सभी की ये ऑडिट यही करेंगे, जो भी लेखा परीक्षण होगा, जो भी खर्च होंगे, सभी के ये ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकते हैं कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखा जाए, किस फॉर्मेट में बना करके रखा जाए कि उसका आसानी से ऑडिट हो सके। तो राष्ट्रपति को जो ये सलाह देंगे, राष्ट्रपति उसी आधार पर केंद्र और राज्यों का जो लेखा होगा उसी के प्रारूप बना करके ये रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जो लोक लेखा समिति होती है, संसद की लोक लेखा समिति, उसके गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की लोक लेखा समिति के गाइड के रूप में कौन कार्य करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके ऑप्शन में रहता है और यही काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया ना, सभी निकाय, प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां, ठीक है, तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ऐसी कोई कंपनी है जिसको गवर्नमेंट से वित्त मिलता है, गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है या फंड मिलता है, उन सभी कंपनियों का ये लेखा परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये जो अपनी रिपोर्ट है, ठीक है, मान लो इन्होंने साल भर मेहनत किया, कहीं ऑडिट वगैरह किया, तो उसकी जो रिपोर्ट है डायरेक्ट अगर केंद्र के लिए ऑडिट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑडिट किया है तो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देंगे, और इनकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल डायरेक्ट उसको संसद में या विधानसभा में, अगर राष्ट्रपति तो संसद में रखेंगे और अगर वो राज्यपाल को रिपोर्ट दिया है तो विधानसभा में रखेंगे, अनुच्छेद 151, ठीक है, प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन बोलते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन, तो 151 के तहत इनको रखा जाता है। अब मैं बात करूँ ये जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवर्ष 3 आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विनियोग लेखाओं पर, ठीक है, जब बजट वगैरह आएगा तो मैं बताऊंगा विनियोग विधेयक क्या होता है, और वित्त लेखाओं पर, जो वित्त विधेयक से संबंधित चीजें होती उन पर, और सरकारी उपक्रम मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं, ये तीनों के ऊपर क्या करते हैं, ये
अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तीन टाइप का रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रम पर, ठीक है। और सीएजी क्या करते हैं, बहुत जगह ये डायरेक्ट ऑडिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो दामोदर नदी पर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ONGC है, एयर इंडिया जो टाटा को बेच दिए हैं, इंडियन एयरलाइंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानकारी डायरेक्ट ऑडिट करते हैं। और कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो प्राइवेट से ऑडिट कराती हैं और अपना जो ऑडिट है वो डायरेक्ट संसद में रखती हैं, जैसे कि LIC हो गई या SBI का बैंक हो गया, इनकी भी ऑडिट होती है, और RBI हो गया, ऑडिट होती है और डायरेक्ट संसद में रखी जाती है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, किसी भी सरकार के भ्रष्टाचार को ये उजागर कर सकते हैं कि वहाँ पे इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, इतना पैसा लगा हुआ है, तो उसका जो ऑडिट हुआ है तो इनको ये काम करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, तो वैसा काम करने के लिए स्वतंत्रता भी दी गई है। पहला है कार्यकाल की स्वतंत्रता, ठीक है, कार्यकाल आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनको अपनी मर्जी से इनके पद से नहीं हटा सकते, संसद ही इनको इनके पद से हटा सकती है, ठीक है, उसके पहले पद से नहीं हटाए जा सकते हैं। दूसरा, सरकार का पद ग्रहण नहीं, मतलब जब तक ये पद में हैं उसके बाद जब ये रिटायर होते हैं तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो किसी के भी अंडर कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सरकार के ने घोटाला उजागर नहीं किया, बाद में हम आपको मंत्री बना देंगे हमारी सरकार में, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसके अंतर्गत कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है, इसके वेतन भत्ते जो होते हैं वो बजट पर भारित होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनके ऊपर वोटिंग नहीं कराई जाती, इनकी एक फिक्स सैलरी आती है और उसको किसी भी तरह से कम वगैरह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कार्यालय में जो कर्मचारी, इनके जो लेखा डिपार्टमेंट होता है, ऑडिटर डिपार्टमेंट होता है, उसके जो कर्मचारी वगैरह, उनकी जो पेंशन वगैरह, जो सैलरी वगैरह होती है, उसके लिए भी नियम कानून ये बना सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति उसको लागू करते हैं। राष्ट्रपति के जो भी नियम कानून होते हैं तो इनके ओवर थ्रू होकर के गुजरते हैं, इनसे पूछकर ही जो इनके कर्मचारी वगैरह होते हैं उनकी चीज़ें वहाँ पर सभी चीज़ें सेटलमेंट किया जाता है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अभी दो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, महान्यायवादी और लेखा परीक्षक। अगर कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है आपसे तो कम से कम दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इनका उच्छेद कौन सा दिया गया है और इनका काम क्या, इसका काम है लेखा ऑडिट करना और इसका काम है सरकार का वकील बनकर सरकार का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पक्ष रखना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, इसके बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लोग रिवीजन मोड में रहिए और वीडियो को आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।